गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं के विषय गणित के अंतर्गत अध्याय एक संख्याएं पुनरावृत्ति, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में गुणा करने के दो नियम पढ़ाए हुए थे। आज हम तीसरा नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम है हमारा ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम विधि से गुणा करना। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप इसे कैसे पहचानेंगे? जैसे कि मैंने पहले में बताया था कि एकाधिकेय में कैसे पहचानना है कि आपका क्या होना चाहिए, इकाई के अंकों का योग क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए और दहाई जो होता है वो बराबर होता है। दूसरा मैंने पढ़ाया था न्यूनित पूर्णन नियम, इसमें क्या होता है कि हमको 9-9 के पद मिलते हैं इस तरह से। अब जब ये तीनों दोनों ही नहीं रहेंगे तो आपका ये नियम हमको लगाना है। तो देखिए इसमें कि इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 10 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें 9-9 के पद दिए हुए नहीं, एक 9 है लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है, इसलिए ये न्यूनित नियम से भी नहीं बन सकता। तो हमको लगाना है तीसरा नियम। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा नियम कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 × 29 इस तरह से, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आएगा, आपको यहाँ पर एक एक अंक लेना है, यानी कि इधर किया इधर किया, ये क्या हो जाएगा 2-2, ये मैंने लिया। अब उस तरफ किया 5-9, ठीक है, 2-2 इस तरफ का लिया और उस तरफ का लिया। अब बीच में क्या लिखना है, बीच में यही अंक लिखना है आपको, 2-5-2-9, ये एक लाइन है पूरा, ये एक लाइन है पूरा, इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को ऐसे सीधा सीधा नहीं, क्रॉस में करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर नाम से ही समझ में आ जाएगा, तिर्यक लिखा है इसलिए आपको क्या करना है, तिर्यक यानी तीसरा गुणा करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, इधर कर लेते हैं 5×9=45 इस तरह से, ठीक है। अब बीच में कैसे करेंगे, तो देखिए क्रॉस में करना है सबसे पहले, तो 2×18+2×5=10 इस तरह से। तो मैंने इस तरह करके दिखाया, इसे हम जोड़ देंगे तो 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 और इधर 45। तो हमारा कुल गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, इसको इस तरह से एरो का निशान लगाना है। एरो का निशान का मतलब है कि इकाई अंक ये है, इकाई से बढ़ते हुए हम दहाई में जाएंगे। तो हमारा गुणनफल हम कैसे लिखेंगे, तो कुल गुणनफल बराबर, सबसे पहले इकाई का अंक लिखना है, तो कितना है, 5 है, ठीक है। अब ये क्या बच गया हमारा, 4 बच गया, 4 को इसमें जोड़ देंगे तो 28 और 4 कितने हो जाएंगे, 32। तो 32 लिखते हैं इस तरह से, हमको हमेशा इकाई का अंक ही लेना है और दहाई को आगे वाले में जोड़ते जाना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 3, 3 को फिर इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितने हो गया, 7। तो इस तरह से हमारा गुणा बन गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था 25×29, इसका आंसर हमारा कितना आया, 725। इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। इसमें उत्तर की जांच भी करना है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया उत्तर की जांच कैसे करते हैं, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका भी जांच निकालना है और इस गुणनफल का भी जांच निकालना है। दोनों का भी जांच, यदि आपका सही आता है तो हमारा जो गुणनफल है वो क्या है, सत्य है। तो चलिए अब इसी में हम सीखते हैं कि हम 3 अंक वाला कैसे गुणा करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि इधर भी 2 अंक थे और इधर भी 2 अंक थे, अब हमारा कितना अंक है, 3, लेकिन यहाँ पर कितना अंक है, 2। यदि आपका 3 अंक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 2 अंक है तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आगे में 0 लगाना होगा। तो इस तरह से लिखेंगे हम, 23×0=5। हम 0 को पीछे नहीं लिखोगे, पीछे लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, इसलिए 0 को हमेशा सामने लगाना यदि आपका संख्या बराबर नहीं है तो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तो मैंने क्या सीखा, इकाई इकाई अंक को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे जब 2 अंक रहेगा तो आपका 3 पद बनता है, 3 पद अभी मैंने दिखाया। अब यहाँ पर 3 अंक है तो आपके बन जाएंगे 5 पद। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये पहला अंक मैंने लिखा 1 और 0, ये हो गया। अब इन दोनों को लिखेंगे 1, 2, 0, 4 इस तरह से, ठीक है, ये हो गया।
के आगे लिखते हैं इन दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3, 4, 5 और लास्ट में क्या करते हैं पीछे का अंक लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3, 5। अब बीच में मैंने जगह छोड़ा है, बीच में हम क्या लिखते हैं ये क्वेश्चन को ही पूरा लिखते हैं, है ना, तो इस क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर पूरा इस तरह से लिखेंगे। तो आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपके 5 पर बनेंगे। आपको इस इधर का फर्स्ट उधर का फर्स्ट लिखना है, बीच में आपका प्रश्न लिखना है और इधर के दो पद और उधर के दो पद लिखने हैं। तो चलिए गुणा करते हैं इस तरह से, यहाँ पर ऐसा क्रॉस का निशान लगाना है, यहाँ पर भी ऐसा क्रॉस का निशान आएगा और इधर। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें ऐसे इधर का इधर का इधर का और इधर का, अब बचा बीच में, तो बीच का इस तरह से गुणा करेंगे। इस तरह से आपको तीन पद वाले या सॉरी तीन संख्या वाले अंकों को गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब एक में शून्य को गुणा करोगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। 4 एकम 4 होता है, लेकिन 2 शून्य 0 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा रहता है तो बीच में जोड़ना है आपको, ये पूरा एक पद होना चाहिए, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 का 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 होगा, फिर प्लस 0 का 3 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस और बीच में करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे 2 का 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10, फिर प्लस का निशान, 4 का 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो गया, और फिर 3 पंचे 15 इस तरह से। अब जो बचा है उसको हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, 4 8 और 5 कितने हो गए 13, ठीक है। अब 10 और 12 कितने हो गए 22 और ये 15। अब हम लास्ट में क्या करते हैं गुणनफल लिखते हैं, तो गुणनफल लिखते समय क्या करना रहता है, इकाई के अंक से चालू करते हैं और दहाई के अंक को इधर जोड़ते जाते हैं इस तरह से। तो चलिए इकाई का क्या है यहाँ पर हमारा 5 है, मैंने 5 लिखा, अब 1 बच गया, 1 इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 22 और 1 कितने हो गए 23, तो 23 का हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, कितना हासिल बच गया हमारा 2 जो है वो किसमें चले जाएगा 13 में, तो 13 और 2 कितने हो गए 15, तो 15 का भी हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, हासिल कितना बच गया 1। अब 1 को 4 में जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, तो इस तरह से हमारा क्या आएगा आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी हमको उत्तर की जांच सेम विधि से करनी है।